क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है पकड़ो कैच और जीतो मैच, लेकिन इस तीसरे वनडे में हुआ कुछ उल्टा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, आपके साथ मैं हुसैन हुसैन और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आकाश चोपड़ा। स्वागत है आकाश आपका। तीसरा वनडे लग रहा था कि शायद भारतीय टीम क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन अविष्का और राजापक्षा का इरादा कुछ और था, मुकाबला अपने नाम कर गई श्रीलंका। जी देखिए, तीसरे अगर ओडीआई की बात करें तो फिर अगर पूरा मैच देखें, बात की वो दूसरी इनिंग ना देखें, पहली इनिंग से शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम ने सोचा था कि भाई व्हाइट वॉश ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छह बदलाव कर दिए आपने, पांच पांच तो डेब्यूटांट्स खिला दिए। 1980 के बाद आपने पहली बार पांच डेब्यूटांट्स को उतरते इकट्ठे देखा भारतीय टीम में, तो सोच यही थी कि चलो श्रृंखला तो जीत चुके हैं, अब अगर जितने खिलाड़ी इतने सारा बड़ा बड़ा स्क्वाड आता है आजकल कोविड के चलते, तो सबको चांस दिया जाए। तो वहां से अगर देखें तो फिर ये रिजल्ट जो है ये चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप छह बदलाव करते हैं अपने जो पूरे पूरे बोलिंग की, तो मतलब ऐसा लगा सारे घर के बदल डालूंगा। एक बॉलर भी नहीं खिलाया आपने पिछले मैच का, और वहां पर ना तो आपने 300 रन से ऊपर बनाया पहले बैटिंग करते हुए। ऑफकोर्स मैच थोड़ा क्लोज गया, श्रीलंका अभी भी स्ट्रगल कर रही है टू अंडरस्टैंड कि मैच को जीतना कैसे, क्लोज कैसे करना है। क्लोज करना मुश्किल होता है, वो कहते हैं ना फिनिश लाइन को क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम होता है स्पोर्ट में, तो वो अभी भी सीख रहे हैं शायद। पर ये मैच भारत की पकड़ में मेरे विचार में पूरी तरह से तो कभी भी नहीं था। बिल्कुल आकाश, और जो आपने बात कही हमारा दूसरा पॉइंट भी था कि जरूरत से ज्यादा बदलाव क्या महंगा पड़ गया, जिसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन मैं आपसे अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा और विस्तार से पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर राहुल द्रविड़ की एक जो रणनीति थी नए खिलाड़ियों को मौका देने की, ये आने वाले वक्त के लिए थी? और तो कोई वजह हो नहीं सकती है सईद, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को आपने पहले दो मैच खिलाए उनमें से किसी ने कुछ गलत तो किया नहीं था। बैटिंग में आपने एक बैट्समैन और अतिरिक्त खिला लिया, आपने बॉलिंग पूरी की पूरी बदल दी। अब सोच तो सिर्फ एक ही हो सकती है कि इतने सारे खिलाड़ी आए हैं, चलिए सबको चांस दिया जाए। अब उसमें फिर लेकिन दो राय ये रहते हैं कि भाई साहब फिर ऐसी गेंदबाजों ने क्या गलती की थी, दो चार बैट्समैन भी ड्रॉप कर देते, क्योंकि देवदत्त पाड़ीकल और ऋतुराज गायकवाड़ तो अभी भी बाहर बैठे हुए थे, उनको भी शायद मौका मिल जाता। देखिए ये समस्या कहाँ से शुरू होती है, यहाँ की नहीं है, समस्या शुरू होती है जब आप टीम पिक करते हैं, और जब टीम पिक करते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं आती कि वनडे की टीम क्या है, T20 की टीम क्या है। अब आपने 25 नाम पिक तो कर लिए जिसमें चार चार ओपनर है, छह छह स्पिनर है, छह अनकैप्ड इंडियंस हैं, तो फिर शायद जो कप्तान है या कोच है उनको भी शायद लगता होगा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि भाई चलो सबको ट्राई कर लेते हैं यार, इतनी समय के बाद आप भारतीय टीम का आपने दरवाजा खटखटाया, आपको इंडिया कैप मिली है तो मौका देकर देखिए। पर इज दैट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी? नो, नहीं हो सकती है, क्योंकि कुलदीप यादव को आपने दो वनडे खिलाए, आप वो T20 शायद खेलेंगे नहीं, वहां पे वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे। आपने अब यहाँ कृष्णप्पा गौतम को खिला तो लिया, लेकिन क्या आप उनको T20 खिलाएंगे? आई एम वेरी अनश्योर, क्योंकि वहां तो कृणाल पंड्या खेलते हुए नजर आएंगे। और दीपक चाहर को आपने दो वनडे खिलाए, वो वनडे ज्यादा खेलते ही नहीं है, अब उनकी जगह आपने खिला लिया नवदीप सैनी को, अब नवदीप सैनी क्या T20 खेलेंगे? क्या आपको दीपक के बारे में सब कुछ पता चल गया है? पर्सनली देखिए, रिजल्ट को चलो छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दरकिनार करते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन जिन खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं उनको क्या आपने उतने मौके दिए जिससे आपको एहसास हो जाए कि भाई इन तिलों में कितना तेल है? अगर तो वो पता चल गया है तो फिर ग्रेट है, लेकिन मेरे विचार में दो मैचेस में पता तो नहीं चला है उतना। चलिए आकाश, आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरीके से हम भी सहमत हैं, और लेकिन एक चीज जो पूछना चाहेंगे इस मैच में, क्या आप मानते हैं कि बारिश ने जो खलल डाला उसने भारत का थोड़ा सा खेल बिगाड़ा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्टैट अगर आप देखेंगे, जब बारिश नहीं आई थी यानी बारिश से पहले 23 ओवर में 147 पर 3 था इंडिया, और बारिश के बाद 78 रनों पर 7 विकेट गवा गई भारतीय टीम। एब्सोल्युटली दिखाता है कि इनएक्सपीरियंस एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वहां पर क्या कहें, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनएक्सपीरियंस नजर आया है यहाँ पर कि जब भी गेम में ब्रेक होता है तो ब्रेक में बोलिंग टीम के पक्ष में जाता है, बैटिंग टीम के अगेंस्ट जाता है, तो आपको दोबारा वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और अपने आप को समझाना पड़ता है कि चलिए जो पहले हुआ वो बीत चुका है, अब जब बैटिंग करूंगा तो मुझे फिर दोबारा वहीं से जीरो से शुरू करके दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना है, सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट देनी है। पर एक चीज और लगी मुझे सही, जिसमें क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट की मुझे समस्या लगी यहाँ पर कि जब आप छह बदलाव करते हैं ना, दो श्रृंखला ऑलरेडी जीत चुके होते हैं और जो भी खेलने आता है वो उस अंदाज में खेल रहा है। इवन शिखर धवन, जिनसे आप कहते हैं उम्मीद करते हैं कि वो तो संभल के खेलेंगे, वो भी ताबड़तोड़ खेल रहे थे, जब बहुत अलग अंदाज में खेल रहे थे। पृथ्वी शॉ भी बिल्कुल वो ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे, तो शायद संजू सैमसन को देखिए, वो भी बिल्कुल पहला मैच खेल रहे हैं पर ऐसे खेल रहे थे जैसे 100 वनडे ऑलरेडी खेल चुके हों। तो शायद ये जहन में बात आती है सामने वाली टीम में ना कोई दम नहीं है,
ये हम 6 बदलाव हमने कर दिए, इसके बाद भी हम इनको मार देंगे। तो वो कंप्लेसेंसी कहीं मुझे जरूर नजर आई, और वो नजर अपने आप ही आ जाती है, आपके जहन में अपने आप आ जाती है जब आप उस टीम का हिस्सा हो जो श्रृंखला जीत चुकी है और उसमें आप 6 बदलाव कर दें, तो फिर आपको लगता है कि ये है तो सही मैच, पर सामने वाली टीम बहुत हल्की है। लेकिन हल्की कोई भी टीम ना इंटरनेशनल क्रिकेट में होती नहीं है। आकाश, जिस चीज की हम लोग अभी बात कर रहे थे, बारिश और आपने चेंजेस के बारे में भी बोले, अगर श्रीलंका की तरफ हम देखें तो धनंजय और साथ ही साथ जया विक्रमा, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? शानदार गेंदबाजी की, और शायद इन्होंने ही भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों पहला मैच खेल रहे थे तो ये एक बात भी थी कि भारतीय बल्लेबाजों ने इनको पहले खेला नहीं था। अकेला धनंजय को तो पहले से खिलाना चाहिए था, ही इज बीन डूइंग वेल। वो अच्छी गेंदबाजी पकड़ के करते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, बीच में उनके पास थोड़े वेरिएशंस भी हैं और छोटे से कद के बहुत एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं। और विक्रमसिंघे को हमने, वो जया विक्रमा को हमने पहली बार देखा जिस तरीके से उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन डाली, ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैन ऑफ द मैच जो थे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, क्योंकि महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए और सही समय पे आके उन्होंने विकेट चटकाया, चाहे वो मनीष पांडे का विकेट हो या हार्दिक पांड्या का विकेट हो, इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने चटका के, और संजू सैमसन का विकेट हो, 3 बहुत बड़े विकेट उन्होंने चटका के और कमर तोड़ दी भारतीय टीम की। बहुत इकोनॉमिकल थे अकेला धनंजय और 3 विकेट भी साथ में गवा, मतलब लेकर गए हैं। तो बिल्कुल स्पिन टू विन यही रहता है श्रीलंका का मोटिव। चामिंडा वास के बाद कोई, और लासित मलिंगा, चामिंडा वास, लासित मलिंगा, उसके बाद अब आप एक अच्छे फास्ट बॉलर को ढूंढ रहे हैं। नुमन कुलसेकर थोड़ी देर के लिए आए थे पर अभी इतनी दम नहीं है उनकी फास्ट बॉलिंग में, ये सच है। प्रॉमिसिंग है पर ऐसा लगता है कि स्पिन टू विन की तरफ इनका फॉर्मूला रहने वाला है, इस वजह से इस मैच में तो एक्चुअली 3-3 स्पिनर खेले थे। चलिए बिल्कुल, और आकाश जिस तरीके से डेब्यूटेंट्स की बात हो रही है, भारत की तरफ से चेतन साकरिया और राहुल चाहर, इन दोनों का भी डेब्यू था वनडे में, दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। चेतन साकरिया की पहले अगर बात कर लें तो मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि 10 ही तो लिस्टे मैच खेले हैं, आईपीएल अच्छी रही थी, एकदम से वनडे का मौका मिला, पहले स्पेल में सिर्फ 2 ही ओवर करवाए कप्तान शिखर ने, तो शायद विश्वास कम नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब वापस आए और ही वाज एक्सीलेंट। एक तो कंट्रोल बहुत अच्छा उनके पास, वो बैक ऑफ द हैंड का जो वेरिएशन है वो बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात कि टेम्परामेंट देखिए ना, कि पहला मैच खेल रहा है बच्चा और लगा नहीं कि पहला मैच है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पहले स्पेल में भी कम ओवर मिले, पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल काम होता है, वहां पे आके बाउंसर भी ट्राई कर रहे हैं, कैच छूटी उसके बावजूद वो अपने शोल्डर्स को नहीं गिरा रहे हैं, उसके बाद बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन भी डाल रहे हैं ओवर द स्टंप्स, राउंड द स्टंप्स। मुझे तो बहुत मजा आया चेतन को देखने में, उनका सपना साकार हो गया भाई साकरिया जी का इंडिया खेलने का। आई होप कि पिताजी उनके होते तो खैर बहुत आज खुश होते। दूसरी अगर बात करें राहुल चाहर की, वेरी इंप्रेसिव वंस अगेन, क्योंकि जो 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, सिर्फ 3 विकेट की बात नहीं है सईद, यहाँ पर और जिस एक्यूरेसी से डालते हैं, और इनका इनके पास एक खासियत है कि ना ऑफ द विकेट बॉलर्स फिज करके जाता है, तेजी से जाता है, टर्न होता है लेकिन तेज जाता है, हमने तेज जाने वाले गेंदबाजों को बहुत देखा है, लेकिन वो गेंदें उनकी टर्न नहीं होती, सीधी सीधी डालते हैं, ये एयर में तो फ्लैट डालते हैं, थोड़ा सा तेज भी है, लंबे कद के हैं, और लेकिन पढ़ने के बाद बॉल टर्न होता है और अच्छा टर्न होता है। इनकी जो ज्यादा विकेट्स हैं वो लेग स्पिन पे आती हैं और गूगली पे कम आती हैं, जो आजकल ज्यादातर आपको लेग स्पिनर डालते हुए नजर आते हैं, तो मेरे विचार में तो दोनों बहुत इंप्रेसिव थे। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में इन पर नजर भी रहेगी, लेकिन एक नजर सबकी थी आकाश, और हम भी लगातार बात कर रहे थे, हमने प्रीव्यू में भी ये बात की थी, मनीष पांडे पर निगाहें होंगी, लेकिन क्या मनीष पांडे ने मौका गवा दिया अपना? निकल गया है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि और ये इस मैच की बात नहीं है, ये मैच एक्चुअली पहले मैच की बात है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको शुरुआत मिली, भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट में आसानी से मैच जीतने वाला है, आप एक खराब शॉट मार के आउट होते हैं, 30-35 रन बनते हैं, उसके बाद बचे हुए रन जो है वो सूर्य कुमार आके बनाते हैं और नाबाद रहते हैं। अगर उस दिन 70-80 बना देते, मौका था 70-80 बनाने का, लेकिन आउट हुए, दूसरे मैच में भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो नॉन स्ट्राइकर रन पे बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हो गए, तो फिर तीसरा मैच जब आया ना तो बीच में बारिश भी आ गई, कंसंट्रेशन में खलल भी हो गया, वो जो गेंद था वो खराब भी नहीं था, और जो वो शॉट है वो शॉट उनका बहुत पकाया हुआ शॉट नहीं है, वो कवर्स की तरफ ना शॉट लगा के चौके नहीं मारते, वो सिर्फ सिंगल देखने की कोशिश करते हैं, और वहां पर भारी किनारे लगा और आउट हो गए। तो अब पीछे पलट के जब देखेंगे तो दूसरे मैच में तो कुछ कर नहीं सकते थे, इस मैच में भी शायद कहेंगे अभी तो मैं सेट नहीं हुआ था, 10-11 ही रन बने थे तो जल्दी आउट हो सकता है, बीच में वो ब्रेक भी आ गया, पर जो पहला मैच था ना उसको देख के, उसके बारे में सोच के बहुत निराश होंगे मनीष पांडे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, उम्मीद रहेगी कि वनडे सीरीज के बाद T20 में भी भारतीय टीम कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन करे। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात, धन्यवाद।